अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आरिफ व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से भाई मेरे से ये सवाल पूछ रहे थे कि आपने दुबई क्यों छोड़ दी और 1.5 साल से फेसबुक पर नज़र नहीं आ रहे। उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बीमारी की वजह से मैं फेसबुक पर नहीं आ सका और दुबई भी इसलिए मैंने छोड़ दिया था। हुआ यूँ कि एक बार मेरी छुट्टी थी ड्यूटी की, तो मैं नहीं गया ड्यूटी पे, तो उस रात को मेरे को नींद नहीं आई। नींद नहीं आने के कारण फिर दूसरे दिन भी मेरे को नींद नहीं आई। मेरे मन में विचार ये आता गया कि मेरे को नींद क्यों नहीं आ रही। मैंने बहुत सोचा कि नींद क्यों नहीं आ रही। फिर मैं वहाँ पे एक डॉक्टर के गया, उसने मुझे डिप्रेशन की दवाई दी, जबकि मेरे डिप्रेशन कुछ भी नहीं था। छोटा परिवार है, सब कुछ, अच्छी सैलरी थी, लेकिन डिप्रेशन नहीं था। लेकिन मेरे जो दिमाग में जो हार्मोन बनता है ना नींद आने के लिए, मेलाटोनिन, वो बंद होना बंद वो बंद हो गया बनना। इस कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं लगातार 8 दिन तक नहीं सोया, तो 9वें दिन इतनी बुरी हालत हो गई कि मेरा मानसिक संतुलन कम होने लग गया। तो फिर मैंने 2:30 बजे सुबह एम्बुलेंस कॉल किया कि मेरे को नींद नहीं आ रही, तकलीफ़ हो रही है। तो मेरे को वहाँ से जवाब मिला कि आप ऐसा करो, नींद नहीं आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने करीब आधे घंटे बाद 3 बजे फ़ोन किया। मैंने सोचा ऐसे बोलूँगा नींद नहीं आ रही तो मेरे को दोबारा बोलेंगे कि यार नींद नहीं आ रही, हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला सर मेरे को सांस में तकलीफ़ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो ऐसा फ़ोन करते ही एक पुलिस की गाड़ी आई, 10 मिनट के बाद में एक एम्बुलेंस आई। मेरे को एम्बुलेंस में ले गए खलीफा हॉस्पिटल अजमान के अंदर, जहाँ पे ले जाने के बाद में मैंने कहा सर मेरे को भर्ती करो, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। मेरे एक दिमाग में बात फिट हो गई कि नींद नहीं आ रही, तो मैं बहुत परेशान हो गया वहाँ पे। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी मेरे स्टाफ के ही थे, लेकिन उन्होंने बोला तुम वहाँ पे जाओ। अरबी में क्या बोला यार, पागल खाने जाओ ऐसा बोला। मुझे मालूम नहीं था अरबी में पागल खाने को क्या बोलते हैं। तो लेकिन फिर मैंने लियाकत नामू को फ़ोन किया दुबई कि मैं खलीफा हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, सुबह आ जाना। वो उन्होंने कहा मैं आ जाऊँगा, ठीक। फिर तो मैंने क्या किया, मैं वहाँ से भी वापस रूम पे आ गया टैक्सी लेके। फिर आने के बाद में मैंने सोचा कि मैं घर जाऊँगा आज, कैसे भी आ जाए। मैंने सोचा आज घर जाना ही है, कुछ वजह मेरे दिमाग में बैठ गई कि मुझे घर जाना है तो जाना है बस। फिर मैंने बहुत लफड़ा किया, मुझे अभी भेजो अभी भेजो। 10 बजे तक मेरे को पासपोर्ट नहीं मिला। फिर बाद में शाम को हम दोबारा गए पासपोर्ट लेने के लिए ऑफिस में, उन्होंने बोला टिकट लाओ। तो मैंने टिकट करवाई, दूसरे दिन 12 बजे की मेरी फ़्लाइट हुई। तो मैंने क्या किया, मेरी फ़्लाइट होने के बाद मैं 8 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच गया। लियाकत मामू ने मेरे को ड्रॉप कर दिया और चले गए। तो 9-10 दिन हो गए। फिर नींद नहीं 10 दिन में 1 सेकंड भी। तो मतलब मैं एकदम से एबनॉर्मल हो गया। एबनॉर्मल होने के बाद में मेरे दिमाग में अलग अलग विचार आते हैं, किसी को पीट लूं, किसी के धक्का मार दूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक जगह में मेरा पासपोर्ट रख के चला गया, फिर मैं भूल गया मैंने पासपोर्ट किधर रखा। मैं आधे घंटे से पासपोर्ट ढूंढ रहा हूँ, मेरे को पासपोर्ट नहीं मिल रहा। फिर मैंने सोचा यार कहाँ रख दिया कहाँ रख दिया। फिर किसी ने बताया कि तू वहाँ बैठा था, मैं वहाँ पे गया था, मेरा पासपोर्ट और मेरा बैग मिला। तो मतलब मानसिक संतुलन खो गया। तो एकदम कैसे भी कैसे अल्लाह से दुआ मांगते मांगते 12:30 बजने के बाद दरवाज़ा खुल गया। फिर वेटिंग रूम से हम फ्लाइट की तरफ चलने लग गए, बोर्डिंग हो गया। फिर फ्लाइट 1 बजे उठ गया। फिर यहाँ पे आने के बाद जयपुर एयरपोर्ट पे घर वाले आए हुए थे, उन्होंने मुझे पिक किया, बताया भी नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। सीधे जयपुर में डॉक्टर स्वामी के पास ले गए, वो मनोरोग चिकित्सक है। उसने जाते ही मुझे पूछा कि आपको ऊँट की गर्दन दिखती है। मैंने बोला मेरे पता नहीं था मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला हाँ दिखती है। तो उसने क्या किया, दवाई दे दी मेरे को हाई डोज। मतलब एक तो होती है लो डोज, एक हाई डोज होती है। तो रास्ते में हमने गाड़ी रोक के खाना खाया, खाना खाने के बाद में मैंने फिर वो दवाई ले ली। तो मुझे याद था कि चौमू के आगे निकलने तक तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी। ऐसा दिल कर रहा था कि गाड़ी से कूद जाऊं, मतलब संतुलन नहीं था। फिर नींद आ गई, फिर मैं घर आ गया। घर पहुंचने के बाद मुझे याद नहीं कुछ। फिर
मेरी आंख खुली 3 दिन के बाद में। मैं 3 दिन बाद उठा, फिर देखा कमरा अपना घर है। इतना तो मालूम था मैं इंडिया आ गया, लेकिन वो स्वास्थ्य नहीं था। फिर वो दवाई लेता गया, थोड़ा सुधार होता गया। वो डॉक्टर ने क्या नींद की दवाई दी थी हाई पावर की, उससे मैं क्या उसका आदि हो गया दवाई का। अब मेरे को क्या होता है, सुबह रोटी खाया, दवाई लेता हूँ, 7 बजे, 7 बजे तक नींद आती है। फिर 7 बजे रोटी खाता हूँ, फिर 7 बजे आँख खुलती है। 12 12 घंटे हाई डोज थी, तो यार नींद आने लगी। मैं परेशान हो गया, बहुत दवाई दी थी उसने। फिर मैं 1 महीना रुक के इंडिया, फिर मैं सही हो गया, तो फिर वापिस चला गया। जाने के बाद में मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली, फिर ड्यूटी की 2 महीना। 2 महीना के बाद में फिर दवाई जैसे जैसे कम होने लग गई ना, मैं मतलब स्टॉक ले गया था ऐसे दवाई की नींद की 6 महीने का। तो मेरे को डर लग रहा था कि एयरपोर्ट पे कहीं नार्कोटिक्स विभाग वाले रोक ना ले, और पकड़ा गया तो जेल होएगी। वो किस्मत से क्या हुआ, मेरा सामान तो लगेज पे आ गया था। वो जिसमें हैंड बैग ले जाने लगा ना, एक अरबी ने बुलाया, बाबा ताल हिना। मैं वहाँ पे गया, रकब बैग हिना, दाखिल मशीन। फिर मैंने मशीन में डाला, एक्सरे मशीन में, तो मेरे बैग के अंदर काली पॉलीथीन के अंदर दवाई थी। अब क्या हुआ, पुलिस वाला पकड़ के ले गया मेरे को, बोलता बाबा हदा मजनून, तुम पागल हो ऐसे बोलता है, इतना दवाई कौन लेके आता है 6 महीने की। फिर मैंने डॉक्टर का डिस्क्रिप्शन दिखाया, मैंने बताया आधा नींद प्रॉब्लम ऐसे ऐसे बताया, माफी नोम ऐसा ऐसे भरा था कि थोड़ा थोड़ा अरबी भी आता था, इंग्लिश बताया उसको। उसने मेरे को दवाई पे नाम देख के, वो ड्रग्स वरग्स तो नहीं है नो, चेक करते हैं, छोड़ दिया। फिर वहाँ से मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया। आने के बाद में फिर वहाँ से बस केस की, बस केस करने के बाद में फिर रोला आ गया। मैं रोला आने के बाद में फिर मैं रूम पे चला गया। फिर जाने के बाद में 2 महीना मैंने ड्यूटी भी कर ली। ड्यूटी करने के बाद मेरा दिल उतर गया मोबाइल से, फेसबुक से, दीन दुनिया से। मतलब संतुलन नहीं था, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ मालूम नहीं था। लेकिन फिर भी फेसबुक चलाने से थोड़ा ऐसा हो गया, नहीं चलाऊंगा यार, फ़ोन नहीं करूंगा, किसी को फ़ोन नहीं करना। मैंने 6 महीने तक किसी से बात नहीं की, चुपचाप रहता। और फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखे नींद आने के तरीके, वो दुबई में आने के बाद। फिर क्या हुआ, एक एक डॉक्टर ने बताया कि एमोपैथिक ने, आप लहसुन लेके तकिया के नीचे लगा के सो जाओ। मैंने ऐसा किया, फिर भी नींद नहीं आई यार। मैंने सोचा ऐसा भी नहीं। फिर एक बोलता है ऐसा संगीत है सुन के नींद आ जाएगी, वो संगीत भी डाउनलोड कर लिया, फिर भी सुनता रहा, नींद नहीं आती यार, दिमाग खराब हो गया। फिर क्या हुआ, उसके बाद में जो दवाइयाँ दी थी डॉक्टर ने, उसमें एंटीबायोटिक भी, एंटीबायोटिक्स भी थी, और शरीर का मूवमेंट बनाने की भी थी, और स्टेमिना ग्रोथ करने की भी थी। तो मैंने उसमें से यूट्यूब में देख देख के दवाइयाँ कम करता गया खुद ही, बिना डॉक्टर के पर उससे। तो सिर्फ नींद की दवाई शुरू रखी, तो मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के कारण क्या हुआ, पेट में खाना खाता हूँ उल्टी हो जाती है, खाना खाता हूँ होटल पे उल्टी हो जाती है। फिर मैंने 1 महीने तक केले खाए, सिर्फ 3 केले सुबह, 3 केले शाम को। अब मैंने सोचा ऐसे तो ज़िंदगी कैसे चलेगी। फिर क्या हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे घर चल जाना चाहिए, ज़िंदगी है तो जान है। तो मैंने कंपनी में कैंसिलेशन दे दिया, और मेरा जो भी कंपनी में पेमेंट बनता था मैंने लिया नहीं। मैंने सोचा मैं घर जाऊंगा पहले, फिर बाद में लूंगा। तो कंपनी ने करीब 20 दिन मेरे को बिठाया, उसके बाद घर भेज दिया। यहाँ आने के बाद फिर मेरे को एशियन हॉस्पिटल में बताया किसी ने, जनरल हॉस्पिटल जयपुर के पास में, वहाँ दिखाओ। तो मैं वहाँ दिखाया डॉक्टर से, लेकिन दवाई भी एक्सपेंसिव थी महीने की, करीब 11 हज़ार 12 हज़ार की दवाई थी। 3 महीना दवाई ली, उससे आराम नहीं आया। फिर मैंने यहाँ पे जो सवाई, ये गुरुद्वारा मोड़ के ऊपर एक हॉस्पिटल है सरकारी, मनोरोग चिकित्सक बैठते हैं उसके अंदर, मनोरोग चिकित्सा के अंदर सेक्रेटरियल सेके वो क्या बोलते हैं यार, स्केरेटिक्स हॉस्पिटल है, उसमें इलाज कराया। उसकी दवा उन्होंने एकदम लो डोज दी मुझे। धीरे धीरे 6 महीने के बाद मैंने नींद की दवाई बंद कर दी, और 6 महीने के बाद नॉर्मल दवाई लेता रहा।
अब 6 महीने हो गए, अब मेरे को मेरी नींद पहले 1 घंटा आई, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा तक तो अभी हो गई, और उसके बाद में 1 साल हो गया मैं बैठा हूँ, बेरोजगार हूँ। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है चल रहा सब कुछ। सोचा मैं क्यों ना अब अल्लाह ताला ने रास्ता दिखाया यूट्यूब की दुनिया का, तो मैंने 3-4 महीने स्टडी की यूट्यूब के ऊपर, व्लॉगिंग के ऊपर, तो मैं अब इंशाल्लाह 1 तारीख से मेरा चैनल स्टार्ट कर दूंगा। इसलिए आप सभी भाई सपोर्ट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सब कुछ दे रहा, कोई कमी नहीं है अभी तक तो। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सेहत अच्छी हो गई, और आप जैसे भाई होगा प्यार बना हुआ है, और सोशल मीडिया फॉलोइंग के कारण ही मैं यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ। ऐसे कोई वो नहीं है कि ऐसे खोल रहा हूँ, सब लोग कमाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, मुझे अल्लाह ने ये रास्ता दिखाया, मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ। आप भाइयों का सपोर्ट रहा था, इंशाल्लाह खंडेला के अंदर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे अपना होगा, किसी का नहीं होगा, वो भी 1 साल में, और 10 दिन के अंदर आपसे वादा करता हूँ 1,000 सब्सक्राइबर और 4 घंटे पूरे हो जाएंगे मेरे चैनल पे। अभी भी मैंने चैनल तो क्रिएट कर लिया, मैं इतने दिन से सीख रहा था टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड क्या डालते हैं पूरा सीख लिया, हैशटैग क्या लगाते हैं, अपना जो है वीडियो सर्च में कैसे जाएगा, यूट्यूबर नहीं बताएंगे आपको सच बात, तो अब मेरे को मालूम चल गया। इसलिए मैंने अपने वीडियो तो डाले नहीं, छोटे मोटे ऐसे वैसे वीडियो डाल रखे हैं, और 1 तारीख को इंशाल्लाह आपको लिंक भेजूंगा, तो आप क्लिक कर देना लिंक पे, सब्सक्राइब कर देना, और अपने रिश्तेदार हैं उनको भी बोलना सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, और अपने 10-10 दोस्तों को आपको रिकमेंडेड करना, क्योंकि आप ही मेरी ताकत हैं, आप ही मेरे भाई हैं। इसलिए आपके भाई को अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और ये थी मेरी 1.5 साल की फेसबुक छोड़ने की और दुबई छोड़ने की कहानी, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। सलाम वालेकुम।